उनका मसल मैच अच्छा हुआ, उनके जो फैट के स्टोरेजेस हैं वो कम हुए। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अश्वन हियर, सर्टिफाइड डाइटिशियन एंड पर्सनल ट्रेनर। आज का हमारा टॉपिक कैफीन के बारे में है। बेसिकली सबसे पहले इसकी बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो कैफीन जो है वो एक ड्रग फॉर्म है, ना कि कोई न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो अब इसकी डोजेस की बात करते हैं, तो अगर आप 3 mg से लेके 15 mg पर kg ऑफ योर बॉडी वेट इसकी कंजप्शन करते हैं, तो ये आपको आपके गोल्स जो है वो उसको अचीव करने में हेल्प आउट कर सकती है। जैसे एक स्टडी कंडक्ट की गई थी जिसमें 5 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट दिया गया था जो कैंडिडेट्स थे उनको, तो उनमें ये देखा गया था कि जो कैंडिडेट्स थे उनमें एक तो स्ट्रेंथ लेवल अच्छे हुए, उनका मसल मैच अच्छा हुआ, उनके जो फैट के स्टोरेजेस हैं वो कम हुए। इसी तरह आपने भी देखना है कि आपकी जो बॉडी वेट है आपने उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 5 mg से या फिर 3 mg मिनिमम से, उससे आपकी जो कैफीन है उसकी क्वांटिटी निकल आएगी। अब आपने करना ये है कि जब भी आपने कोई भी वर्कआउट करना है, चाहे आपने एरोबिक्स करना है या चाहे आपने एनारोबिक करना है, उससे मिनिमम 1 आवर पहले आपने अपनी कॉफ़ी की कंजप्शन करनी है ताकि आपको वहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट्स वो मिल सके। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं, तो बेसिकली अगर आपने इसकी कंजप्शन ज़्यादा कर दी अपनी रिकमेंडेशन से ज़्यादा और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो एट द एंड क्या होगा कि ये आपको अपना एडिक्ट बना लेगी। फिर आप कोई भी काम करेंगे तो आप पहले आप कहेंगे कि यार मुझे कॉफ़ी पिलाओ तभी मैं कोई काम कर सकता हूँ। नंबर 2, ये आपकी स्लीप में का डिस्टर्बेंस लेके आएगी, आपको ज़्यादा स्लीप नहीं आ सकेगी। ठीक है, अगर जब आपको स्लीप नहीं आएगी तो आपकी बॉडी जो है उसकी रिकवरी स्लो हो जाएगी। जब आपकी बॉडी की रिकवरी स्लो हो जाएगी तो ऐट द एंड आपके जो रिजल्ट्स मिलने थे आपको वो उस तरीके से नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि आपने कॉफ़ी की किस तरह से कंजप्शन करनी है, क्योंकि हर बंदा जो है वो कॉफ़ी को एज अ प्री वर्कआउट तो यूज़ कर रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि हमारी बॉडी की रिकमेंडेशन क्या है, जो हमारी बॉडी को नीड क्या है, कितनी नीड है, कितनी mg में मैंने लेना है और किस तरह से लेना है। Thank you so much for watching. Please subscribe my channel for further nutritional videos. Allah Hafiz.